नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आज ही के डेट में जो है हाल फिलहाल में जो है एक पत्र जारी किया गया है, उसमें ये कहा गया है कि विज्ञापन संख्या 26/2023 यानी कि प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति जो है प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 24/8/2023 से लेकर के 26/8/2023 तक दो बैठकों में यानी कि प्रथम पाली और द्वितीय पाली में आयोजित किया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट कर दिया कि दो पाली में अब एग्जाम होगी, लेकिन निम्नांकित जो है कार्यक्रम अनुसार राज्य स्थित सभी जिलों में जो है अवस्थित परीक्षा केंद्र आयोजित किए जाएंगे। देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि परीक्षा की तिथि तो 24/8 यानी कि गुरुवार पड़ रहा है। इसके बाद जो है प्रथम पाली जो है 12 बजे से शुरू हो जाएगा, जो कक्षा 1 से 5 के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए रहेगा प्रथम पाली में, ध्यान रखिएगा। और वहीं जो है द्वितीय पाली में जो है 3:30 बजे से जो है 5:30 तक जो है ये चलेगा। ये भी 1 से 5 के लिए रहेगा, ये सिर्फ महिलाओं के लिए रहेगा द्वितीय पाली। वहीं है 25/8 को जो अब होगा शुक्रवार को, वो जो है भाषा के लिए रहेगा। भाषा जिस जो लैंग्वेज है ना वन पेपर वन, तो वो भाषा के लिए रहेगा। तो जिसमें प्रथम पाली में सिर्फ जो है पुरुष रहेंगे और द्वितीय पाली में सिर्फ महिलाएं रहेंगी। वहीं जो है 26/8 को जो परीक्षा होगा यानी कि शनिवार को जो होगा, समान अध्ययन एवं विषय जो है कक्षा 9 एवं 10 के लिए होगा। और समान अध्ययन एवं जो विषय है वो द्वितीय पाली में होगा, वो कक्षा 11 से लेकर के 12 तक होगा। तो विभाग ने स्पष्ट कर दिया कि अब जो है 24 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक सारी परीक्षा जो है आयोजित कर ली जाएगी। 24 तारीख को जो है 1 से 5 के लिए प्रथम पाली में जो है पुरुषों के लिए होगा, और वहीं द्वितीय पाली में जो है 3:30 बजे से महिलाओं के लिए होगा। और 25 तारीख को जो है भाषा का एग्जाम होगा, जो कि प्रथम पाली में पुरुष के लिए होगा और द्वितीय पाली में जो है महिलाओं के लिए होगा। आगे क्या कहा जा रहा है कि अब इसके लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए जो है उक्त परीक्षा के लिए दिनांक 10/8 से जो है आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, डाउनलोड की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। पहला कंडीशन क्या कहा जा रहा है, कैसे डाउनलोड होगा। अभ्यर्थी जो है प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व, जब आप डाउनलोड करने जाइएगा उससे पहले जो है अद्यतन पासपोर्ट साइज यानी कि फोटोग्राफ जो कि 25 KB का होना चाहिए, डैशबोर्ड पर जा करके वेबसाइट का जो है BPSC के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे एक डैशबोर्ड है, वहाँ पे लॉगिन करके अपलोड करना होगा वो 25 KB का फोटो। इसके बाद ही प्रवेश पत्र आप डाउनलोड कर सकेंगे। डाउनलोड किए गए ई एडमिट कार्ड में जो है अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा केंद्र कोड के रूप में दर्ज होगा। ये जो है परीक्षा केंद्र का कोड दर्ज होगा अभी, जिसमें केंद्र कोड यानी कि सेंटर कोड एवं जिला का नाम अंकित रहेगा, जिला का नाम भी अंकित रहेगा, लेकिन सेंटर नहीं बताया जाएगा, सिर्फ सेंटर का कोड रहेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वही जो है दो में क्या कहा जा रहा है कि सभी अभ्यर्थी जो है प्रति पाली प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र ले जाना सुनिश्चित करेंगे, एवं परीक्षा अवधि में वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर कर उन्हें सुपुर्द करना सुनिश्चित करेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कहा जा रहा है कि जितने अभ्यर्थी है प्रति पाली प्रवेश पत्र की जो है एक प्रति के अतिरिक्त, अगर एक के अलावा एक और ले लेना है अतिरिक्त अपने साथ परीक्षा केंद्र पर ले जाना है, और उस अवधि में जो है परीक्षा की अवधि में अपना हस्ताक्षर साइन करके वीक्षक को दे देना है। नेक्स्ट देखेंगे तीसरा पॉइंट क्या कहा जा रहा है। परीक्षा केंद्र जो है कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी अब जो है दिनांक 21/8 से जो है उपलब्ध कराया जाएगा। अब जो कोड होगा सेंटर कोड होगा, जो 10 तारीख से आप डाउनलोड कीजिएगा एडमिट कार्ड, उस पर सेंटर जो कोड रहेगा उसकी जानकारी जो है 21/8 से जो है दी जाएगी, उपलब्ध कराया जाएगा वेबसाइट पे। आगे कहा जा रहा है कि दिनांक 10/8/2023 से परीक्षा के 4 दिन पूर्व तक अर्थात 10/8 से जो है चालू हो जाएगा एडमिट कार्ड डाउनलोड होना, और लास्ट होगा 20 तारीख तक। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 20 तारीख तक प्रवेश पत्र निश्चित रूप से डाउनलोड कर लेंगे, 20 तारीख के बाद हो सकता है डाउनलोड ना हो, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो 10 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में डाउनलोड कर लीजिएगा। अरे क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट पॉइंट 5 नंबर, कि अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व तक ही
परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। तो परीक्षा शुरू होने से पहले एक घंटा पहले ही दिया जाएगा। इसके बाद जो है कहा जा रहा है कि एक घंटा पूर्व प्रवेश बंद कर दिया जाएगा और परीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात यूज्ड ओमार एंसर सीट को सील बंद करने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष छोड़ेंगे। तो ये साफ स्पष्ट कह दिया है बीपीएससी। देखिए आज के डेट में जो है 5/8/2023 को जो है बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा जो संयुक्त सचिव है उन्हीं के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और जो है हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।